Okay students, so today we are going to look at types of function. So there are basically many types of functions, but अपने तीन types देखने वाले, one to one, many to one and constant to one. Right? So one to one function means what? One to one means students, यहाँ पे अपने डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं तो आपको डायरेक्टली क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा. ये वन टू वन है स्टूडेंट्स, यानी क्या होगा, यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे है, वन टू थ्री है यहाँ पे सपोज. तो और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ, पहले सब ले लेते हैं, ए बी सी वन टू थ्री लिख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा. ए बी सी एंड वन टू थ्री डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं कि क्या डिफरेंस है वन टू वन, मैनी टू वन एंड कॉन्स्टेंट फंक्शन. मान लो कि ए बी सी वन टू थ्री, ए बी सी वन टू थ्री लिखा. तो वन टू वन फंक्शन में क्या होगा बेटा, सबका साथ क्या होना पड़ेगा, एक सबका यूनिक ही होना पड़ेगा. मतलब आप ऐसा समझो कि ऐसा एक हमने कंडीशन डाल दिया कोई देश में कि कहा कि मतलब वन एक ही बाप होना पड़ेगा. मतलब दो एक एक बच्चे का क्या होगा, एक ही बाप होगा. वैसे तो बच्चों फंक्शन में ये भी अलाउड होता है क्या, दो दो बच्चों का क्या हो सकता है, एक बाप हो सकता है, ये अलाउड हो सकता है ना. लेकिन यहाँ पे मना किया गया कि मतलब कोई ऐसा बाप नहीं होगा जिसके दो बच्चे हो. मतलब हर बाप को क्या करना पड़ेगा, कितने बच्चे रखना पड़ेगा, एक बच्चा कंपल्सरी. समझ में आया? तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे तो सबका क्या होगा, फिर ऐसे ही कुछ रिलेशन बनेगा. तब हम उसको कौन सा फंक्शन कहते हैं, वन टू वन फंक्शन. कौन सा फंक्शन, वन टू वन, राइट. तो बच्चों ऑटोमेटिकली पता चल रहा है मैनी टू वन में क्या होगा, तो ये वाला रिलेशन बन रहा है कि एक मैनी मतलब वहां पे अलाउड है कि एक बाप का क्या हो सकते हैं, दो भी बच्चे हो सकते. तो वैसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मैनी टू वन फंक्शन, राइट. और कॉन्स्टेंट फंक्शन मतलब क्या होगा, सारे एलिमेंट्स कहीं एक जगह पे जाके क्या हो रहे होंगे, मैप हो रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट. समझ में आ गया बच्चों, वन टू वन मतलब यहाँ पे बच्चों देखो, अच्छा यहाँ पे अगर मैं फोर लिख दूं तो चलेगा क्या, चलेगा चलेगा. फोर लिख दोगे तो एक्स्ट्रा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखना है आपको सारे एलिमेंट मैप है. ओके, यहाँ पे भी मैं फोर लिख दूँ तो चलेगा क्या, चलेगा, राइट. लेकिन हम इसको कौन सा फंक्शन नहीं कह पाएंगे, इसको हम वन टू वन नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब एलिमेंट है, मल्टीपल एलिमेंट का कॉमन क्या है, इमेज. दो एलिमेंट का क्या है, दो मतलब यहाँ पे बच्चों क्या अलाउड नहीं है, भाई भाई अलाउड नहीं है. यहाँ पे भाई भाई अलाउड है, भाई बहन अलाउड है. समझ में आया? तो ऐसा रिलेशन को ये होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन. बच्चों यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछा जाता है कि मैनी टू वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या, वन टू वन कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेफिनेशन क्या है. बच्चों यहाँ पे हम ध्यान देखें, अगर एफ ए टू बी एक फंक्शन है, राइट. बच्चों ये सेट है के सारे एलिमेंट्स है ना, ये क्या है, सेट है के, ये सेट है और ये सेट बी, राइट. सेट है के एलिमेंट हम इनको ले सकते हैं, ये सब सेट है के एलिमेंट्स, राइट. तो ये एलिमेंट्स अगर ये दोनों, इसको हम लेते हैं इस एलिमेंट का नाम सपोज ए वन, इसका नाम लेते हैं ए टू, इस एलिमेंट का नाम क्या लेते हैं, ए थ्री, राइट. ओके, तो हम बोलेंगे कि इफ ए वन नॉट इक्वल्स टू ए टू, यानी अगर ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों क्या है, अलग अलग, तो देन उनका जो इमेज बनेगा एफ ए वन और एफ ए टू, ये दोनों सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए. ये दोनों अलग है तो उनका इमेज क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल्स टू किसके लिए, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे सेट के लिए ये वाला रूल लागू करना पड़ेगा. मान लेते हैं a1 a2 कोई क्या है, एलिमेंट है. इसको बच्चों यहाँ पे हम इसको इरेज भी कर देते हैं, ऐसे समझते हैं कि कोई भी फॉर इन सब कोई भी इन तीनों में से कोई भी a1 हो सकता है, कोई भी a2 हो सकता है. अगर ऐसा इफ a1 और एंड a2 आर टू एलिमेंट्स ऑफ सेट a, देन इफ दे आर डिफरेंट, अगर वो दोनों अलग है तो उनके इमेज भी क्या होने पड़ेंगे, अलग होने पड़ेंगे. ऐसा अगर संबंध मिलता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वन टू वन फंक्शन. बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ऐसा आपको लिखना आना पड़ेगा ना.
तभी तो इसका डेफिनेशन हुआ, इफ ए ए टू बी ए फंक्शन इफ देर आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ये देखो ऐसा आप लिखोगे तो हम इसी को ही क्या कर सकते हैं थियोरी में लिख सकते हैं ना, इफ देर आर टू टेक एनी टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए देन देयर इमेज ऑल्सो शुड बी डिफरेंट, है ना, ये उसकी इमेज ही तो है। ठीक है, ये लिख दिए तो बच्चों क्या हुआ, तुम थियोरी भी लिख पाओगे और तुम्हारा ये डायग्राम भी ड्रॉ हो जाएगा। तो बच्चों एक्चुअली आपका मार्क्स इसको लिखने में मिल जाएगा, क्योंकि आप ये लिख रहे हो मतलब आप होशियार हो, थियोरी से ज़्यादा क्या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना। बच्चों अच्छा मुझे बता पाओगे इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम, इफ बच्चों ए वन नॉट इक्वल्स टू ए टू है फिर भी क्या हो सकता है, एफ ए वन इक्वल टू एफ ए टू हो सकता है कि नहीं, देखो ये दोनों अलग है कि नहीं, बट उनके क्या है इमेज सही है बच्चों। लेकिन देखो ये किस में है, ए और में है, किस में है और में, कोई भी दो मिल जाए, देखो इसका वैसे अलग है, देखो बी सी का अलग है ना, अब लोग भाई बी सी लिया बी और सी ये तो अलग अलग है तो ये तो नहीं आ रहा, नहीं कोई भी दो एलिमेंट और में है, क्या और है मतलब ये नहीं हो तो क्या हो, इसमें तो हो रहा है, समझ में आ रहा है, एंड में नहीं है, किस में है और में। अगर ऐसा कोई भी हमें दो एलिमेंट मिल जाए क्या बोलेंगे क्वेश्चन में, इफ वी फाउंड एनी टू एलिमेंट्स राइट विच आर डिफरेंट बट देयर इमेजेस आर सेम देन दैट फंक्शन इन द मेनी टू वन। देख रहे हो बच्चों मेनी चाइल्ड वन फादर, यहाँ पे क्या है मेनी टू वन का मतलब क्या है, मेनी चाइल्ड वन फादर, बहुत सारे चाइल्ड है वन फादर, अंडरस्टूड। तो दिस इज नथिंग बट विच फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन, इफ देर आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट ए हैविंग सेम इमेजेस देन दैट फंक्शन इज नोन एज मैनी टू वन फंक्शन। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन मतलब बच्चों सिंपल है कि कोई भी ए वन नॉट इक्वल टू ए टू क्यों ना हो, बट एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ ए टू ले लो या एफ ऑफ ए थ्री ले लो, कोई भी ले लो, यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, कोई तुम्हें कोई मिलेगा कोई कॉन्स्टेंट सी मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या मिला है टू मिला है, तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन, कुछ भी यहाँ पे हो जाए बट यू विल गेट द फाइनल एलिमेंट एज ए सिंगल कॉन्स्टेंट वैल्यू। ओके, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन कहते हैं। अंडरस्टूड, थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन, विच वन, वन टू वन, मैनी टू वन, कॉन्स्टेंट। ओके बच्चों, और एक भी हम यहाँ पे फंक्शन देखते हैं टाइप, इसको बोलेंगे हम इक्वल फंक्शन, कौन सा फंक्शन इक्वल बोला गया है, दो तो यहाँ पे बच्चों दो फंक्शन आ जाएंगे ना, इक्वल बोला गया है तो इक्वल फंक्शन मीन्स दो फंक्शन क्या है इक्वल है कि नहीं, मतलब हम इक्वल फंक्शन एक फंक्शन नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं इसको चेक करके फंक्शन की हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं इक्वालिटी चेक, कि दो फंक्शन के इक्वालिटी चेक या इक्वल फंक्शंस भी हम कह सकते हैं, दो फंक्शन इक्वल है या नहीं। बच्चों दो फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स है और एक क्या है जी ऑफ एक्स है, इन दोनों को हम इक्वल कब कहेंगे, जब मैं आपको बता रहा हूँ कब इक्वल कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो एफ एक फंक्शन है जो कि ए टू बी है एंड जी एक फंक्शन है जो कि क्या है सी टू डी है। ओके ये उसके डोमेन को, इनको हम इक्वल तब कहेंगे जब ए और सी दोनों बराबर ही होना चाहिए, 100% इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए 100%। फर्स्ट रूल याद रखो, फर्स्ट रूल डोमेन शुड बी इक्वल, क्या बोलेंगे डोमेन शुड बी इक्वल, डोमेन पूरा सेम होना चाहिए उसमें कोई चेंजेस चलेगा नहीं। अब बच्चों डोमेन शुड बी इक्वल मतलब यहाँ पे हम बच्चों अब सी नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा ए ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा, यस लिखा हो तो एक वर्ड सी होना चाहिए, दोनों सेम ही होना चाहिए। फिर हम देखेंगे बच्चों आपको पता है बी और डी क्या होते हैं, हमारे को डोमेन क्या होते हैं को डोमेन, बी और डी से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब क्या रेंज से मतलब, अगर दोनों का क्या सेम हो जाए रेंज सेम हो जाए तो दोनों फंक्शन क्या कहेंगे इक्वल, बी और डी नीड नॉट बी इक्वल, क्योंकि को डोमेन तो को डोमेन में क्या होता है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी रहते हैं ना, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर क्या मिल जाए उनके सारे कि तुम कोई भी f क्या लो, तुम f ऑफ a लो, कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट लो उसका क्या आ रहा है g ऑफ a के साथ अगर इक्वल आ रहा है, फॉर एनी फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ a, फॉर कोई भी तुम a लो अगर ये सेम ही आएगा दोनों में, मतलब ये सेम आ रहा है इसका मतलब कौन है इमेज सेम आ रहा है, क्योंकि f ऑफ a का मतलब क्या इमेज ना, फॉर ऑल एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन a, इसके सारे एलिमेंट्स लेते गए डोमेन में डाले या इसका कोई भी ले जाओ ये दोनों क्या आ रहे सेम आ रहे, तो मीन्स रेंज क्या आ रहा है सो दोनों का सेम आ रहा है, हम तब क्या कहेंगे दिस इज ए इक्वल फंक्शन, समझ गया। पहला प्रॉपर्टी क्या चेक करना, डोमेन दोनों का सेम होना चाहिए, अगर डोमेन ही गलत है वहां पे मत कर दो कि ये क्या नहीं है इक्वल फंक्शन नहीं है।
सेकेंड में क्या चेक करने का, डोमेन सेम है तो बच्चों आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई रेंज क्या है, सेम है या नहीं, राइट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं आपके इक्वल फंक्शन का, उसके पहले ये भी देख लेते हैं डेफिनेशन आपके फ्रॉम द बुक, वन टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट फंक्शन। बच्चों देखो, अब आप यहाँ के डेफिनेशन पर से यू शुड बी एबल टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर एग्जाम। क्या है, सपोज एफ ए टू बी ए फंक्शन, इफ फॉर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट्स, मैंने क्या बोला टू डिफरेंट एलिमेंट्स है ना ए वन ए टू, राइट, सेट है, द इमेजेस आर ऑल्सो डिफरेंट इन सेट बी, यहाँ पे अगर अलग है तो यहाँ पे भी क्या होना पड़ेगा, अलग अलग होना पड़ेगा तभी, राइट। देन एफ इज सेट टू बी वन टू वन फंक्शन। देखो बच्चों ये लिखा गया है, इफ ए वन नॉट इक्वल टू ए टू, और ए वन ए टू से किससे बिलोंग कर रहे होंगे, सेट ए से, राइट, सेट ए से बिलोंग कर रहे ना ए वन ए टू, तो ये दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू होना नहीं चाहिए, ऐसा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वन टू वन फंक्शन कहेंगे। बच्चों के एग्जाम्पल दिया गया, देखिए वन टू वन फंक्शन का यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बच्चों देखो बोला गया कि ए टू बी, ए इक्वल टू वन टू थ्री है, बी इक्वल टू है, बच्चों एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब वन का क्या होगा, वन का होगा प्लस टू यानी थ्री, टू का क्या हुआ टू प्लस टू फोर, थ्री का क्या हुआ थ्री प्लस टू फाइव। देख रहे हो सबका अलग अलग मिल रहा है ना, कोई धक्का मुक्की नहीं है, इसीलिए बच्चों ये क्या है, कुछ फंक्शन है बराबर, तो अलग अलग मिलेगा तब आपको उसको वन टू वन फंक्शन दे, मैनी टू वन फंक्शन। बच्चों लिख पाएंगे ऐसा, सपोज इज ए फंक्शन, इफ फॉर एनी टू, देखो लिखा है क्या, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं, फॉर एनी, ऐसा नहीं कि तुम जो नहीं हो रहा हो दोनों को पकड़ के बोल रहे नहीं ये नहीं हो रहा है नहीं चलेगा, एनी कोई भी एक मिल जाता है तो वो भी आपका विनर है। फॉर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट है, द इमेजेस इन द कोडोमेन आर सेम, सेम होना पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे उसको, मैनी टू वन कहेंगे। बच्चों हमने देखा ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन क्या है ये दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, तो आप उसको क्या कहोगे, मैनी टू वन फंक्शन कहोगे। बच्चों ये एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम्पल बच्चों एक्स प्लस टू वाला तो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि वन टू वन में आपको एक एग्जाम्पल भी लिख देना है, समझ रहे हो, सब लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, डेफिनेशन दो टाइप का, एक थियोरिटिकल और एक मैथमेटिकल वाला, एक डायग्राम में जो ड्रॉ कर रहा हूँ और एक एग्जाम्पल, ये लिख दिए तो आपके मार्क्स 100%, राइट। सो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, बच्चों देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर बोला गया है ना, तो आप बच्चों यहाँ पे मैं सेट ए ले रहा हूँ, यहाँ पे सेट बी ले रहा हूँ, बच्चों मैं माइनस वन लू या प्लस वन लू, दोनों का स्क्वायर करूंगा तो बेटा क्या आएगा, वन ही आएगा, राइट। यहाँ पे मान लो मैं ले रहा हूँ टू माइनस टू, माइनस टू इस साइड आएगा, माइनस टू एंड टू, माइनस टू का स्क्वायर भी क्या है चार ही, और टू का स्क्वायर भी क्या है चार है। देख रहे हो दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, फॉर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट्स टू एंड माइनस टू आर डिफरेंट, बट दे आर हैविंग द सेम इमेज फोर, दैट्स व्हाई दिस इज ए व्हिच फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। तो बच्चों ये स्क्वायर वाला आपको पता है ना, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस होता है और पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है, राइट। इसीलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें याद रख लेने पड़ेंगे, खास करके जो मैनी टू वन वाला है, कि उसमें क्या ले लो फंक्शन, क्या ले लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, एंड नेगेटिव का भी क्या होगा प्लस होगा, इसलिए वो दोनों एक ही जगह पे जाएंगे, तो मैनी टू वन। नेक्स्ट इज व्हिच फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, राइट। दिस इज इफ दिस इज ए फंक्शन, इफ फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट द इमेजेस आर सेम इन द कोडोमेन, कोई भी एलिमेंट ले लो इमेज हमेशा ऑल के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए क्या बन रहा है, सभी के लिए सेम बन रहा है, सभी एलिमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन इन द कोडोमेन द इमेज इज सेम, सेम इमेज मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे, विल कॉल दैट इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। देखो ऐसा लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव, यानी वन हो टू हो थ्री हो सबके लिए आंसर क्या है फाइव ही, दैट इज नोन एज द कॉन्स्टेंट फंक्शन। बच्चों देखो एग्जाम में पूछा गया अलग अलग ईयर में, वॉट डिफाइन वन टू वन फंक्शन, डिफाइन मैनी टू वन फंक्शन, डिफाइन कॉन्स्टेंट फंक्शन। बच्चों आपको फंक्शन अगर आ गया ना, फंक्शन में आई 80 to 100% आपके एक मार्क्स नहीं कटेंगे, अगर आपने प्रॉपरली सारे को फॉलो किया है तो। हमारे बच्चे जो प्रीवियस ईयर के थे दे हैव ऑल्सो मीन्स गॉड मैथ्स में सब अच्छे ही मार्क्स लाए, राइट। सो यू कैन अश्योर दैट कि फंक्शन चैप्टर में तो, क्योंकि ये बहुत ईजी है, राइट, अगर इसको समझ जाए तो, नहीं तो बच्चों ये फिर सर दर्द है, क्योंकि पता नहीं चलेगा लिखा हुआ बहुत भारी भारी रहता है ना, कोडोमेन कोडोमेन रेंज, हम जनरली ऐसे वर्ड सुनते नहीं, राइट।
नेक्स्ट हमने बात किसके किया था बेटा, इक्वल फंक्शन। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया, टू फंक्शन एफ एंड जी, डिफिनेशन पूछेगा एग्जाम में इक्वल फंक्शन का। टू फंक्शन आर एफ एंड जी, दो फंक्शन से डिफाइंड ऑन क्या होना पड़ेगा, सेम डोमेन, उनका डोमेन सेम होना पड़ेगा। एंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए ऑफ द डोमेन क्या होना पड़ेगा, एफ ऑफ इक्वल टू जी। बच्चों एफ ऑफ जी है जब उसका किसकी बात कर रहा हूँ, रेंज की बात कर रहा है कि नहीं, को डोमेन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, देन एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल फंक्शन एंड बी राइट एफ इक्वल टू जी। बच्चों देखो, दो फंक्शन लिया है उसमें ए कॉमन लिखा है ना, क्योंकि वो पहला ही रूल है, शर्त है कि डोमेन शुड बी सेम, राइट। एंड फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, एफ ऑफ ए इक्वल टू जी, कोई भी ए ले लो, ये दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे, तब हम उनको क्या कहते हैं, इक्वल फंक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बार बार बोल रहा है कि किसमें होना पड़ेगा, सेम डोमेन होना पड़ेगा, इज वेरी इसेंशियल कंडीशन, इसको भूल मत जाना, पहला ही कंडीशन है कि सेम, दैट मस्ट बी इन द सेम डोमेन, राइट। बच्चों देखते हैं कि कैसे यहाँ पे कहा गया है कि दो फंक्शन इक्वल है या नहीं है, राइट। बच्चों यहाँ पे देखो लिया गया है एक फंक्शन ए टू बी, ऐसी डेफिनेशन एक्स स्क्वायर है, और एक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, फोर एक्स माइनस थ्री, दोनों अलग अलग फंक्शन हुआ ना। अब ए इक्वल टू हमने क्या लिया, वन थ्री लिया। बच्चों वन के लिए भी क्या आ रहा है, वन लिया तो तुम्हें वन मिला, और यहाँ तो देखो जी में भी वन लेने पर क्या मिल रहा है, 4 1 जा 4 माइनस 3 भी 1 मिला, सेम मिला ना। एफ ऑफ 3 लिया तुमने, 3 के लिए बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ, और अब जी अब इसमें डालेंगे, 3 में डाला तो 4 3 जा 12 माइनस 3 भी 9, देखो सेम मिल रहा। तो आप 1 डालने पे, यहाँ पे 1 डालो जो मिलेगा, यहाँ पे भी 1 डालो वही मिल रहा, जो यहाँ पे 3 डालो जो मिल रहा है, वहाँ पे भी 3 डालो वही मिल रहा। तो इस डोमेन के लिए बच्चों, ये सबके लिए नहीं बोल रहा है, डोमेन जब मेरा क्या हो, 1 एंड 3 हो, मेरा डोमेन क्या हो, जब 1 एंड 3 हो, दोनों में सेम है ना डोमेन, उस डोमेन के लिए, पर्टिकुलर उस डोमेन के लिए ये दो फंक्शन क्या है, इक्वल। आप कोई भी बोल भाई इसके लिए नहीं काम कर रहा है, मैंने कहा उसके लिए, तो मैं 9 का देखो तो जरा, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया, 9 चौके 36, 36 में से 3 गया तो कितना हुआ, 33, ये दोनों दोनों इक्वल नहीं है, तो ये गलत है। नो बेटा ऐसा नहीं है, मैंने कहा 9 डोमेन में रखा है, डोमेन में हमारा क्या है, 1 एंड 3 है, तो 1 एंड 3 के लिए इक्वल है, इसलिए बोला गया डोमेन इज वेरी इसेंशियल कंडीशन। ओके समझ में आ गया बच्चों? हाँ, तो अब हम बच्चों कुछ क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको बच्चों पता चलेगा कि ये सारे चीजें क्या होते हैं। देखो ये इक्वल फंक्शन आएगा, मैं इसके बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे, डिमांड क्या होता है, राइट। बच्चों ये देखो पूछा गया है इक्वल फंक्शन को डिफाइन करो, राइट। एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, ये वाला कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, 1 3 के लिए हमने जो लिया, ताकि तुम उसको डेफिनेशन के साथ ही क्या कर पाओ, लिख पाओ, राइट। व्हेन डू यू से द टू फंक्शंस आर इक्वल, व्हेन देयर डोमेन्स आर इक्वल एंड देयर रेंजेस आर इक्वल, बराबर, देन वी कैन से द फंक्शंस आर इक्वल। ठीक बच्चों, अब तुमको मजा आएगा जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। ओके यहां पे बच्चों देखेंगे पहला सवाल क्या बोला गया है, एन एन टू एन मतलब क्या है, तुम्हारा डोमेन है और को डोमेन भी क्या है, n, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, 5x माइनस 2, इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इज दिस, फाइंड द डोमेन। रेंज दे दिया है बच्चों, रेंज दे दिया मतलब क्या, 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या बोल दिया है, 3, है ना, ये आपका क्या फंक्शन है, फंक्शन में जब वैल्यू रखते हैं उस साइड रेंज निकलता है ना, समझ में आया कि नहीं, जब हम कोई x की वैल्यू डालते हैं तब हमें जो मिलता है फाइनल आंसर को हम उसको रेंज बोलते हैं, इसमें वो दे दिया है कि रेंज ऑफ द फंक्शन, ये सब दे दिया है, तुमको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो बच्चों 5x माइनस 2 इक्वल टू 3 होगा तो क्या आंसर आएगा, 5x माइनस 2 इक्वल टू 8 होगा तो क्या आंसर आएगा, 5x माइनस 2 इक्वल टू 13 होगा तो क्या आंसर आएगा, जो 3 आएगा उसको एक सेट में डाल दो, वो तुम्हारा क्या बन गए, डोमेन बन गए। बच्चों आप डोमेन में जब x में वैल्यू डाल के यहाँ पहुँचते थे रेंज की ओर, अब आपको रेंज दे दिया तो वहां से हमें क्या निकालना, डोमेन निकालना, राइट। तो इस पर बच्चों ये एग्जाम में पूछा गया था डिसम्बर 2008 वाले एग्जाम में, राइट। देख रहे हो बच्चा वही हुआ है, 5x माइनस 2 इक्वल टू 3, यहाँ पे क्योंकि एफ ऑफ एक्स दे दिया है, रेंज दे दिया है ना, तो आप एक्स को निकालोगे 1 आया। ये बच्चों ये भी सिखाना पड़ेगा आपको कैसे निकालते एक्स, राइट। तो 5x माइनस 2 इक्वल टू 8 हुआ तो एक्स कैसे निकालना, ये तो कर लेंगे ना, ओके नहीं करेंगे तो फिर से 10th पढ़ने जाना पड़ेगा, 13 है तो हम कैसे एक्स निकालेंगे ये। तो बच्चों जो भी आएगा आंसर उसका हम सेट बना देंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, डोमेन का सेट बोलेंगे, यस। तो बच्चों ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको क्या दे दिया होगा, रेंज दिया होगा और आपको क्या फाइंड करने को बोला होगा, डोमेन। तो तुम्हें खाली एक्स निकालना है वहां पे, ओके बच्चों। हाँ यस,
यहाँ पे देखते हैं कौन सा बच्चा स्मार्ट बच्चा मुझे आंसर दे पाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है कि एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है जहाँ पे एक्स जो है बिलोंग्स टू क्या करता है जेड माइनस थ्री, लेकिन ऐसा जेड है जिसमें तीन नहीं है। क्यों तीन नहीं रखा बेटा पता है ना, क्योंकि नीचे तीन रखेगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ओके जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स ऑफ थ्री है, जहाँ पे एक्स क्या है तुम्हारा बिलोंग्स टू जेड है, क्या एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल है। बस इक्वल के लिए पहला शर्त क्या होता है बच्चों, यहाँ का डोमेन ही अलग है, देख रहे हो कि कैसे, क्योंकि इस डोमेन में क्या है कौन नहीं है तीन नहीं है, लेकिन इस डोमेन में तो सब कुछ है ना, इस डोमेन में थ्री भी, पहला शर्त क्या हो गया गलत हो गया, इट इज नॉट ए फंक्शन। देख लो ये मैथ्स कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आंसर बहुत छोटा सा है राइट, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या नहीं है एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब जो डोमेन है उसमें इसमें तीन नहीं है और इस डोमेन में क्या है थ्री है राइट। बच्चों अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करता है कि भाई वो डाल के देखेगा ना जी एक्स इस दो को चेक करने के लिए बच्चों क्या डालना पड़ेगा आपको वन डालना पड़ेगा टू, आपको सेम ही आएगा ना, आपको पता ना बट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का मतलब क्या होता है एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, और एक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो बचता है वही रहे ना बच तो वही रहा, तो आपको लगेगा कि आप वैल्यूस अगर डालोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। अगर आपने कुछ वैल्यू डालोगे ना, क्योंकि रेंज हमें हम दोनों फंक्शन को इक्वल कम बोलते हैं, जब सेम डोमेन डालते हैं और सामने क्या मिलता है सेम रेंज मिलता है तो आप बोलते हो फंक्शन। देखो यहाँ पे वैसा किया भी गया है, देखो एक्स के अंदर आप माइनस वन वन टू डाल के देखे तो माइनस वन डाल रहे तो क्या मिल रहा है टू मिल रहा है, अब जी ऑफ एक्स में भी माइनस वन डालोगे तो क्या मिलेगा टू, अब टू ही मिलेगा क्योंकि माइनस वन प्लस थ्री क्या होता है टू होता है। वैसे ही आप देखो वन डालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे भी चार मिल रहा है वहाँ पे भी चार ही मिलेगा राइट। वैसे ही अगर टू डालोगे तो यहाँ पे भी बच्चों क्या मिल रहा है फाइव मिल रहा है, यहाँ पे भी फाइव मिल रहा है, क्योंकि है तो दोनों सेम ही, लेकिन बच्चों क्या नहीं है डोमेन अलग अलग है, इसीलिए फंक्शन क्या नहीं है इक्वल नहीं है। बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं हाउएवर दिस फंक्शंस आर नॉट इक्वल एज दे आर नॉट डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन, डोमेन डोमेन में क्या नहीं माइनस थ्री है, लेकिन डोमेन ऑफ एफ में एफ का क्या है जेड माइनस थ्री है, लेकिन जी का क्या है जेड है, इसीलिए ये दोनों क्या नहीं है इक्वल नहीं है। हम बच्चों ये पहले से ही कह सकते हैं, ये जो यहाँ पे बाद में क्या आ गया आप पहले ही बोलोगे टू 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 बी द फंक्शन टू फंक्शंस आर इक्वल द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज द डोमेन्स ऑफ द बोथ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल बट हियर द डोमेन्स आर डिफरेंट हेंस द फंक्शन इज नॉट इक्वल राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके इक्वल है कि नहीं बच्चों पता लगाओ, बच्चों देखो एफ ऑफ एक्स दिया है जी ऑफ एक्स, बच्चों देखो मैं इसको वैसे स्मार्ट हूँ मैं बहुत डायरेक्ट ही कर सकता हूँ कि बच्चों हमको पता है कि मल्टीप्लाई करते वक्त क्या आना चाहिए फोर्टीन आना चाहिए, जोड़ते वक्त क्या आना चाहिए माइनस नाइन आना चाहिए, तो सात और दो राइट, मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस टू लिख सकता हूँ कि नहीं, और इस एक्स माइनस टू को यहाँ पे उड़ा दूंगा मेरा आंसर सेम आ रहा है। बच्चों यहाँ पे देखो डोमेन भी सेम है, मेरे को यहाँ से पता चल गया फंक्शन इक्वल है, लेकिन क्या मार्क्स मिलेगा आपको करना पड़ेगा है कि नहीं, हम इतने तो स्मार्ट है कि हमको पता है कि भाई इसका इसको हम अगर क्या करते हैं सर फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये दोनों तोड़ के ये दोनों सेम ही है, हमको पता चल चुका है कि फंक्शन इक्वल है, लेकिन फिर भी हमें हंगामा करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू जेड में से लेंगे लेकिन दो नहीं लेने का, क्यों नहीं दो नहीं लेने का, उसने मना किया ना दो नहीं लेने का, यहाँ पे बोला है दो नहीं लेने का, तो तुम मजे करो एक जीरो डाल दो एक बार वन डाल दो एक बार थ्री डाल दो, दोनों में बता दो कि देखो मैंने इधर जीरो डाला जो आ रहा है इधर भी जीरो ही वही आ रहा है, मैंने यहाँ पे वन डाला तो जो आ रहा है मैंने इधर भी वन डाला वही आ रहा है, मैंने यहाँ पे टू डाला सॉरी टू नहीं डालने का थ्री डाला तीन नंबर डाल के उसको डेमो दिखा देने का, दोनों में सेम आंसर ला देने का, बोल देना कि यार डोमेन्स आर सॉल्व एंड वी हैव चेक रेंज आर ऑल्सो इक्वल हेंस द फंक्शन इज इक्वल फंक्शन। समझ में आया, समझ में आ रहा है बच्चों, देखो उन्होंने क्या डाला है माइनस वो छोटे छोटे नंबर ही डालना जीरो वन टू ऐसे ही आजू बाजू के डालना, टू नहीं डाल सकते यहाँ पे इसलिए उन्होंने क्या डाला है माइनस, ठीक है स्टार्ट जीरो से ही करना क्योंकि जीरो से करोगे तो आधा ही काम छोड़ा हो जाता है राइट। तो बच्चों देखो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टू में बच्चों अच्छा कुछ बच्चों के वैल्यू डालना नहीं आता, सिंपल है माइनस टू है तो जहां जहां एक्स निकले उसके जहाँ पे क्या डाल देना माइनस टू, यहाँ पे एक्स है तो उसके जहाँ पे माइनस टू डालो, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे देखो एक्स है ना एक्स यहाँ पे माइनस टू यहाँ पे, फिर मैं इसका स्क्वायर करो बच्चों ये प्लस होगा ना माइनस माइनस से प्लस 18 प्लस 14 ये सब यहाँ पे एक्स है तो वहाँ पे भी क्या आएगा माइनस टू राइट। इसको बोलते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या जो ऐसा है जहाँ पे एक्स देख रहा है वहाँ पे माइनस टू को थप कर दिया कॉपी पेस्ट, कुछ दिमाग लगाना नहीं है बराबर। देखो यहाँ पे उसको ये भी माइनस नाइन आया था और यहाँ पे भी क्या है माइनस नाइन है राइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो डाला तो बच्चों देखो सब जीरो हो गए माइनस सेवन आया और यहाँ पे भी क्या था
जी यहाँ पे क्या है, -7 आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें तीनों फंक्शन में क्या मिल रहा है, सेम रिजल्ट मिल रहा है। कोई वैल्यू डालने पे, 1 डालने पे -6 मिल रहा है, आएगा ही आएगा क्योंकि दोनों एक ही है कि नहीं। वहाँ पे भी एक्स माइनस, देखा दोनों फंक्शन एक्स माइनस सेवन ही दे रहा है, राइट। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हियर देखो यहाँ पे आपको ऐसा बचो लास्ट में से लाइन लिख देना कि यहाँ पे फॉर ईच डोमेन वी गेट दिस, ऑल्सो बोथ द फंक्शन आर डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन, ये लिखना पड़ेगा ना, दोनों का सेम डोमेन है, देयरफॉर द फंक्शन इज इक्वल। कर पाएंगे बेटा इक्वल फंक्शन चेक? पहले क्या चेक करोगे, डोमेन, डोमेन सेम है तो ही आगे बढ़ना है, फिर देखना है कुछ। आप ऐसे अगर आइडिया से पता चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं पता चलता है तो बच्चों तो भी तीन वैल्यू ले लेना और उसको डाल के देख लेना दोनों में, दोनों में अगर सेम सेम आंसर आ रहा है तो आप बोल दोगे ना दे आर इक्वल। अगर एक में भी गलत आ गया तो, एक में भी गलत आया तो वो सेम नहीं है, ऐसा नहीं बोलना भाई दो में आया जा, नहीं एक में भी नहीं आया तो दे आर नॉट इक्वल, राइट। बच्चों देखो ऐसा सवाल है ना आपके एग्जाम में आते, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, लास्ट ईयर भी आए थे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते। लेकिन ये दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया है, प्रूफ दैट क्या है, एफ ऑफ -x -f(x) इज दिस, इसको प्रूव करना है। क्या करेंगे बेटा, एफ ऑफ -x पहले निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना है बेटा एफ ऑफ -x, 1 -f(x), जहां जहां पे तुम्हें x दिखे वहां पे क्या लिखना है -x की, जहां पे दिखे क्या x वहां पे क्या लिखना है एफ ऑफ x, आपको पता है ना एफ ऑफ -x कैसे निकालोगे, जहां x दिखा वहां पे क्या डालोगे -x। बच्चों बोला हुआ एफ ऑफ x ऑफ x प्लस y निकालो, तो क्या करोगे, जहां x दिखा वहां पे क्या लिखोगे x प्लस y, समझ में आया। तो दिस इज द लॉजिक। तो यहाँ पे बच्चों एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, लेकिन आपको एफ ऑफ -x की वैल्यू नहीं पता है, तो एफ ऑफ -x किसने क्या होगा, एफ ऑफ -x, एफ ऑफ -x इक्वल टू x से जहाँ पे क्या डालना है -1 अपॉन x से जहाँ पे क्या डालना है -x प्लस 1, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 -x, है ना, -x प्लस 1 लिखो या तो क्या लिखो 1 -x, ठीक है। तो मतलब आपको करना क्या है, इन शॉर्ट 1 अपॉन 1 -x माइनस एफ ऑफ एक्स, तो आपको पता है ना 1 अपॉन x प्लस 1, ये आपको करना है। बच्चों कर पाएंगे नहीं इसको, क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सीखना स्टार्ट कैसे करना है, आपने यही डर के कि भाई एफ ऑफ -x को यहाँ पे दिया ही नहीं, कुछ नहीं है जहाँ पे एक्स डाल रखा है वहाँ पे क्या लिख दो -x, ठीक है। देखो पहले क्या निकाला गया -x, फिर LHS है ये, तो देखो मैंने जो ये स्टेप लिखा है यहाँ पे उन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ये आया, फिर आपको उससे सिंप्लीफाई किया और आपको क्या मिल गया आंसर, यू विल गेट दिस RHS, सो हेंस LHS इक्वल टू RHS, समझ में आ रहा है बेटा, ओके। हाँ प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। बच्चों ये कैटेगरी के क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आते हैं, कौन से कैटेगरी का, ये वाला, जिसमें तुम्हें एफ ऑफ एक्स के साथ साथ क्या क्या होगा, कुछ और एक दे दिया होगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन। देखो यहाँ पे क्या बोला, एफ ऑफ एक्स दिया है ये, लेकिन क्या बोला, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू 6। तो बच्चों को यहाँ पे क्यों देते हैं ये क्वेश्चन पता है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को एफ ऑफ एक्स माइनस वन निकालने में नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बेटा एक्स माइनस वन कैसे निकालेंगे, अभी तो मैंने बताया क्या करने का, जहां देखा एक्स वहां पे डाल दो आंख बंद करके एक्स माइनस वन, वो आपको इतना टैलेंट चेक करना चाहते हैं। बाकी तुम्हें तो दो पॉलीनोमियल को माइनस तो करना आता ही है ना, इतने साल पढ़े हैं तो, हाँ तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन के जगह पे हम क्या लिखेंगे बताओ, तो एक्स से यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, फिर क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन प्लस वन, एक्स से यहाँ पे क्या डालना है मुझे एक्स माइनस वन प्लस वन है तो मैं खाली क्या लिख सकता हूँ एक्स लिख सकता हूँ ना, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है 2x, बच्चों ध्यान रहे 2x लिखा है तो x से जहाँ पे मुझे क्या लिखना है x माइनस वन, तो यहाँ पे गलती ऐसा नहीं करने का, 2x से जहाँ पे हमें क्या लिखना है x माइनस वन, तो ये 2 सब में जाएगा है, राइट प्लस 1, जो जहाँ पे x देखा उसको ब्रैकेट में x माइनस वन यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये पहले इसको सॉल्व करोगे ना 2x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1, राइट। इस पर फिर इसको क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये तुम्हारा आंसर आएगा, और फिर इधर से ये वाले से इसको क्या करने का माइनस करने का, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे पहले एफ ऑफ एक्स था, ये आंसर दिया है बच्चों, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है उनको, ये वाला आंसर है। फिर एफ ऑफ एक्स माइनस वन जो मैंने आपको लिख के दिखाया ये वाला,
इसको क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, फिर ये दोनों को माइनस करना ना, पहले को और उसको क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे, दोनों को माइनस करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बता, हमारा लक्ष्य क्या है जानना, तुम्हें एफ ऑफ एक्स माइनस वन निकालना आता है कि नहीं आता, बाकी कुछ नहीं है, बाकी दो एक्स तुम दोनों को, तुम्हें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना भी आता है, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना भी आता है, वो हमारा अप टू टेंथ का स्टडी है, राइट। लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन कैसे निकाल, राइट। अगर कोई बच्चे को फिर भी थोड़ा कच्चा हो तो हम यहाँ पे बता सकते हो उसको, बेटा यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है, डायरेक्ट ही दिया है एफ ऑफ एक्स, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एज इट इज, फिर बच्चों कौन सा नियम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक्स स्क्वायर को पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया। बच्चों देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या डाल दिया, एक्स माइनस वन, देखो एक्स थे क्या डाला गया, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन था तो क्या डाला गया, एक्स के जहाँ पे क्या डाल दिया गया, एक्स माइनस वन, और प्लस वन एज इट इज है, टू एक्स के जहाँ पे, देखो मैंने कहा ना ब्रैकेट में डाल दिया, टू है तो टू, एक्स के जहाँ पे क्या डाल दिया, एक्स माइनस वन, प्लस को प्लस, वन को वन, राइट। फिर इसको सिंप्लीफाई किया गया, देखो ये उड़ गया, एक्स हो गया, और ये टू एक्स माइनस टू था, ये यहाँ पे फिर से कौन सा नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, टू को एक बार एक्स के साथ एक बार वन के साथ, टू एक्स माइनस टू, प्लस वन को प्लस वन, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये माइनस टू प्लस वन क्या हो गया, माइनस वन, बचाइए, फिर से बचो कौन सा रूल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक्स स्क्वायर को एक बार किसके साथ भेजो, टू एक्स माइनस वन के साथ, माइनस एक्स किसके साथ भेजो, टू एक्स माइनस वन के साथ, फिर इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ये आंसर मिल जाएगा, राइट। एक्स स्क्वायर टू एक्स, टू एक्स क्यूब, ये आता है यार, इतना छोटे छोटे सवाल, फिर ये दोनों को क्या करना है, तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना, ऊपर जो दो आंसर आए ना एल एच एस आ रहे, दो इक्वेशन को उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में बच्चों क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, हाँ, फिर काट काट पीट करके यू विल गेट योर आंसर, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों, ये सर नो, तो नेक्स्ट टाइम वी विल सी इलस्ट्रेशन नंबर 11, ओके। सो आप सबको बच्चों अभी तक के जो सारे कंटेंट हो क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, रिवाइज, रिविजन इज द की, ओके।